So, hello friends. I Vikas Mangal, scientist, genetics and plant breeding, CRIJAF, Barrackpore. तो जो सी टेक नोट्स की जे आर एफ और एस आर एफ के स्टूडेंट के लिए, स्पेशली एस आर एफ के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी टेक ही मेजर पोर्सन होता है और जे आर एफ के लिए, जे आर एफ में आने के लिए ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये नोट्स जो मेरे फ्रेंड हैं सुभाष चंद, जो कि साइंटिस्ट हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आई जी एफ आर आई झांसी में, उनके द्वारा बनाए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे ये नोट्स भेजे हैं कि जिससे कि मैं स्टूडेंट के बीच में ये नोट्स पहुँचा सकूँ। सो थैंक्स टू सुभाष चंद फॉर प्रिपेयरिंग दीज नोट्स। सो फ्रेंड्स, जो मैंने पार्ट वन वीडियो अपलोड किया था उसके पार्ट टू वीडियो, तो मैं जैसे कि इसमें केवल मैं मेन मेन पॉइंट की बात करूंगा, तो इसमें से जो भी लगे कि जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो वीडियो पॉज करके आप उन्हें देख लें। और कृपया इस वीडियो को आप अच्छी क्वालिटी में देखें, 720 में पी में, क्योंकि इसमें फ़ोटो में ये इतना साफ नहीं आ रहा है, तो हल्की क्वालिटी में शायद आपको वर्ड्स ब्लर दिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मतलब हर वीडियो में से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एसआरएफ में तो कम से कम तीन तीन चार चार क्वेश्चन हर वीडियो में से आएंगे इसमें से। तो मैं चूँकि एग्ज़ाम जल्दी आने वाला, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी सी टेक के नोट्स हैं मैं एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो देखो, AOSCO जो होता है कि एसोसिएशन ऑफ, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इसकी, तो एसोसिएशन एंड ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी कोलम्बिया, ठीक है ना। इसने ये कुछ रूल्स बनाती है सीड सर्टिफिकेशन के, ठीक है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जो ये क्या है, ब्रीडर सीड फाउंडेशन, ठीक है, रजिस्टर्ड सीड, इंडिया में रजिस्टर्ड सीड नहीं होता, आपको पता ही है, ये बाहर होता है, ठीक है। सर्टिफाइड सीड बाय फर्स्ट यूज फॉर फॉरेज क्रॉप्स, किस क्रॉप्स के लिए यूज किए गए थे, फॉरेज क्रॉप्स के लिए यूज किए गए थे, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड बाय प्रपोज बाय रॉबर्टसन, ये बहुत पूछा जाता है, तो आपको पता होगा लगभग 1917 या कुछ एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन जो रॉबर्टसन था उसने ये प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन सीड दिया था, ठीक है, प्रपोज किया था। जो एनुअल क्रॉप्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं, आपको पता होना चाहिए, मेज, वीट, राइस, वाटरमेलन, पीटी, ठीक है। बाइनियल में स्वीट विलियम्स, कैरट, सेलरी, पार्सले, और ये पेरिनियल में टोमेटो, स्वीट पोटैटो, वेन्यूअर, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए सीड टेक पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, सीड रिप्लेसमेंट रेट की बात करें, ऐसा सार कि मतलब कि आप जो सीड ग्रो कर रहे हो ना, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो आप सीड ग्रो करोगे अपने फील्ड में, तो जो सीड आपने पहले ग्रो कर रखा है उसी को यूज करोगे या टोटली मार्केट से नया परचेज करोगे, एक तरीके से ये होता है सीड रिप्लेसमेंट रेट का मतलब, ठीक है। तो हाइब्रिड के लिए तो 100% होता है, आपको पता ही है कि हाइब्रिड का सीड हर साल फार्मर को परचेज करना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक भी है उसका, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो 35% है, ठीक है, कि इतना परसेंट सीड आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसकी रेंज मैंने यहाँ लिख रखी, जो मेरे फ्रेंड ने यहाँ लिख रखी है, और सीड सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है उसके लिए 25% है, और रेंज यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँ हर पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, स्टोरेज सबस्टांस क्या होता है, जो पी होता है उसमें स्टोरेज सबस्टांस लेग्यूमिन होता है, सोयाबीन में नोड्यूलिन होता है, सनफ्लावर डहलिया में इन्यूलिन होता है, ठीक है। ग्रीन लेग्यूम में फेसियोलिन होता है, बीट रूट में केन्सोवर होता है, ये ग्लूकोज होता है बल्ब स्केल ऑफ अनियन में, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। जो रेड लाइट होती है वो जर्मिनेशन को प्रमोट करती है, और इंफ्रारेड क्या होती है, इनिबिट करती है, ये आप नोट कर सकते हो। ये मेट्रिकल क्या होता है, हेट्रोजेनिटी इन क्वालिटी ड्यू टू लोकेशन ऑफ द सीड इन फ्लुएंसेज, ठीक है ना, ये कुछ क्वालिटी का बिगड़ना होता है। सीड प्लॉट टेक्निक पोटेटो किसने दी थी, पुष्कर नाथ ने दी थी हिल एंड प्लेन के लिए, ये आपको पता होगा। ट्रू पोटेटो सीड रेट कितना होता है, सीड रेट कितना होता है, ये श्री रामन एस रामानुजन ने दिया था, TPS बोलते हैं इसे, ट्रू पोटेटो सीड, ठीक है। इसका सीड रेट कितना होता है, 100 ग्राम पर हेक्टेयर होता है, पूछा जाता है, आपको पता ही होगा। देखिए, आपको पता होगा कि जो फील्ड इंस्पेक्शन किए जाते हैं, कि जो फील्ड में सीड प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस, रोगिंग, डिजीज परसेंटेज, मेल या फीमेल का रेशियो, मतलब सही है नहीं, जो फील्ड सीड इंस्पेक्टर आता है इसके लिए, तो पूछा जाता है कि किस क्रॉप्स में कितने कितने किए जाते हैं। जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में 2 फील्ड इंस्पेक्शन होते हैं, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में 3 होते हैं, क्रॉस में 4 होते हैं, क्योंकि भाई क्रॉस में कंटामिनेशन के चांस ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसमें 4 होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ क्रॉप्स नीचे भी लिख रखी हैं, देखिए इन्होंने उसके हिसाब से, इन्हीं के हिसाब से कि कितने कितने उसमें फील्ड इंस्पेक्शन किए जाते हैं, कैरेट को उन्होंने स्पेशल मेंशन कर रखा, तो ये स्पेशल पॉइंट है, यही कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। फील्ड काउंट देखिए, फील्ड काउंट भी पूछा जाता है, देखिए ये मतलब जो होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है, कोई एरिया कितना उस हिसाब से हम फील्ड काउंट लेते हैं। जैसे मिनिमम काउंट यदि 2 हेक्टेयर के लिए बात करें तो 5 काउंट लेते हैं, ठीक है ना। अब 2 हेक्टेयर के बाद हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते चले जाते हैं कि ठीक है, एरिया 2 हेक्टेयर है तो देखिए हम कितने काउंट ले रहे हैं, 5 काउंट ले रहे हैं, ठीक है ना। अब 4 हेक्टेयर है तो फिर हम कितने काउंट ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि 2 में से 5 ले लिए, हर 2 में से फिर 1 लेते चले जाते हैं, जैसे 6
तो आप कितने हो गए, दो में से पांच हो गए, और हर दो में से एक एक और लोगे तो कितने हो गए, सात हो गए, ठीक है, आठ है तो आठ, अब दस है तो आप नौ काउंट लोगे, ठीक है ना, 10 हेक्टेयर एरिया है। तो ये क्वेश्चन तो मतलब जेआरएफ में एक क्वेश्चन तो कम से कम आ ही जाता है इसमें से, ठीक है। अब देखो एसएमआर, जैसे एसआरआर था सीड रिप्लेसमेंट रेट, उसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ऐसे एसएमआर है सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो, ठीक है ना, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और ये क्रॉप्स के लिए कितना होता है, मतलब एक तरीके से सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो मतलब कि आपने एक सीड हुआ है उससे जो प्लांट आया उसमें कितने सीड बने, मतलब एक सीड से आपको कितने सीड मिल रहे हैं, एक तरीके से ऐसा कह सकते हो आप। तो पूछा जाता है, देखिए पोटैटो के लिए 1:4 होता है, ठीक है, ग्राउंडनट के लिए 1:8 होता है, चिकपी के लिए 1:10 होता है, सोयाबीन के लिए 1:16 है, ठीक है। इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, जिससे कि हमें भी फायदा हो इस चीज़ का, ठीक है। व्हीट अनियन मेथी में कितना होता है, 1:20 होता है, भिंडी में 1:30, तो इस हिसाब से देखिए सारी क्रॉप्स का इसमें दे रखा है। रागी का देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, 1:420, कोल क्रॉप्स का 433, बाजरा, सोरगम, सबका सब इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट, कैस्टर्स सैफ्लावर का इन्होंने अलग से लिख रखा 1:60, ठीक है। तो देखिए हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको में से नोट कर लें, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कैमेरियस ने इसको रिपोर्ट किया था, ठीक है ना, और सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन और रोल ऑफ इंसेक्ट इन पॉलिनेशन जोसेफ कार्लटन ने बताया था, ये मैं पिछली वीडियो में भी ये पॉइंट आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे आप जब कंटिन्यूस वीडियो देखते हो ना तो आपके पॉइंट्स कनेक्ट होते चले जाते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक प्लांट कौन कौन से होते हैं ये देखिए हमने लिख रखा है पूरा, ठीक है, इसमें एपोमिक्स सिस्टम बिंकलन ने दिया था, ये भी आता है, पॉलीएम्ब्रियोनी किसने दी थी, लिवे नॉक ने सिट्रस सीड में देखी थी, ठीक है। कॉमनली किस में पाई जाती है, पॉलीएम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, ठीक है, ऑरेंज लेमन निकोशन और इनमें भी पाई जाती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देखिए रूट के थ्रू किस में होता है, ये आप मैं बोलूंगा नहीं, ये आप नोट कर लें, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम में अलग अलग आते हैं, राइजोम के थ्रू किस में होता है, कॉर्म के थ्रू किस में होता है, बल्ब के थ्रू, ट्यूबर के थ्रू, शकर के थ्रू, ठीक है ना, ये आ गया अंडरग्राउंड स्टेम में। अब देखिए लीव्स के थ्रू किस में होता है, ब्रायोफिल्लम या बेगोनिया, इसमें होता है आपका, ठीक है, प्रोपोगेशन। जो एरियल स्टेम है उसके थ्रू किस में होता है, ओपनशियम में होता है, ठीक है। स्टेम कटिंग किस किस में करते हैं, रोज, शुगर केन, टैपियो का, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लें। रूट कटिंग किस किस में करते हैं, ये आप नोट कर लें, और बड ग्राफ्टिंग किस किस में करते हैं, रोज पीच में, ये आप सारे नोट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये वही वाली मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने हाइपोजियल जर्मिनेशन, एपिजियल जर्मिनेशन और एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बताया था। अब देखिए उन चारों को यदि आप कंबाइन कर दोगे ना तो चार टाइप के सीड बनेंगे आपके, कौन से, हाइपोजियल एंडोस्पर्मिक और हाइपोजियल नॉन एंडोस्पर्मिक। तो इनके एग्जाम्पल मैंने पिछले उसमें बताए थे, आप ये नोट कर लें, ठीक है। जनरली हाइपोजियल जर्मिनेशन सीरियल्स में था और एंडोस्पर्मिक सीड सीरियल में थे, ठीक है, मतलब मोनोकॉट्स में, सॉरी एंडोस्पर्मिक। एपिजियल जर्मिनेशन जनरली डाइकॉट में था और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जनरली किस में थे, डाइकॉट में थे, ठीक है। तो अब हाइपोजियल एंडोस्पर्मिक टाइप के सीड किस में पाए जाते हैं ये पूछ सकते हैं, हाइपोजियल नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप के सीड, एपीजियल एंडोस्पर्मिक टाइप के सीड किस में पाए जाते हैं और एपीजियल नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप के सीड किस में पाए जाते हैं, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें, ठीक है। अब देखिए ये पूछा जाता है कि जो जी सीड जर्मिनेशन टेस्ट होता है उसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती होनी चाहिए, 80-90% होनी चाहिए, ठीक है, और ड्यूरेशन फॉर सीड जर्मिनेशन कितना होना चाहिए, 14 डेज, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें, ठीक है। प्री ड्राइंग, और इसमें आपको जो भी पॉइंट लग रहा है, पैडी के लिए कितनी होनी चाहिए, सोयाबीन के लिए ड्राइंग कितनी होनी चाहिए, ये आप पॉइंट नोट कर लें। आप देखिए ये वाले जो पॉइंट दे रखे हैं, ये जब मैंने एसआरएफ दिया था, मैंने पीएचडी फर्स्ट ईयर में दोबारा दिया था, 2016 वाला, ठीक है ना, 2016 2017 वाला, ठीक है, तो उसमें लगातार कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आए थे ये वाले, ये एसआरएफ में ये आए थे कि भाई आप जो सीड लेते हो उसको जो सेपरेट करते हो तो किसके, मान लो कि प्रेशर के बेसिस पे कर रहे हो या ग्रेविटी के बेसिस पे कर रहे हो, तो उनको सेपरेटर को क्या क्या नाम देते, तो कंटिन्यूस 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो इसको तो आप कंटिन्यू कम से कम याद रख लें, ठीक है, कि बेस ऑन डायमेंशन ऑफ शेप, तो उसको क्या बोलते हैं, एयर स्किन क्लीनर एंड टर्मिनल, ठीक है। इंडेंटेड सेपरेटर का मतलब क्या है, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आधार पर सीड को सेपरेट करते हैं, पूछा गया है ये, ग्रेविटी सेपरेटर बेस ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये पूछा गया है, ठीक है। इन जनरल वर्किंग सैंपल कितने ग्राम का होता है, वर्किंग सैंपल जो लेते हैं हम टेस्टिंग किसके लिए, तो 25 ग्राम का होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नंबर ऑफ सीड कितने लेते हैं, 2500 सीड लेते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टिक सीड ड्रायर मोस्ट कॉमनली यूज सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंटल है ये वाला, ठीक है, ट्रायर, ठीक है। नोवे ट्रायर सैम्पलिंग फ्रॉम बैक से सैम्पलिंग करनी है तो नोवे ट्रायर यूज करते हैं। बिन सैम्पलर का भी यूज करते हैं जब हीप या स्टोरेज, हम बना के रखते हैं ना स्टोरेज बिन्स, उससे जब सैम्पलिंग करनी है तो, ठीक है।
अब देखिए कुछ सीड में भी कई सारी टेक्निक्स होती है ना, जैसे ऑस्मो कंडीशनिंग या सॉलिड मैट्रिक्स प्राइमिंग, ये होती है। ये किस किस के लिए होती है? ये लार्ज सीड के लिए, कुछ स्मॉल सीड के लिए, ये मैंने आपको लिख रखा है, ठीक है। हार्ड सीड किस में पाए जाते हैं? लेग्यूमिनेसी, मालवेसी, ये बहुत पूछा जाता है। और ये लास्ट के पढ़िए, सारे पॉइंट आप नोट कर लें। तो देखिए, हाँ देखिए, कुछ इसमें से एक स्लाइड केवल छूट गई है हमारी, तो ये वाली स्लाइड देखिए, ये वाली स्लाइड हमारी छूट गई थी, इसको भी देख लें आप कि एयर लेयरिंग गुट्टी लगाना किस में होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। और ए इंटू बी का मतलब क्या है? फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन होता है, ये पता होना चाहिए आपको। सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन होता है ए इंटू आर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, ओ पी बी के लिए कितनी होनी चाहिए, कॉटन हाइब्रिड के लिए अदर हाइब्रिड के लिए, कैस्टर के लिए, ये आप पॉइंट नोट कर लें, ठीक है। नॉक्सियस वीड कौन सी है? पार्थेनियम है, ये पता होना चाहिए। एंट्रोमोनोसियस प्लांट कौन से होते हैं? ये पता होना चाहिए, ठीक है। गाइनोमोनोसियस कौन से होते हैं? कुकुम्बर, ये होना चाहिए। बीबी पैरासीड किस में पाए जाते हैं? चाओ चाओ, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बोइनिया डिवाइडर, कॉनिकल डिवाइडर, ये ग्रेविटी के बेस पे सेपरेट करता है, ये आप नोट कर लें, ठीक है। इसके अलावा देखो कई सारे इसमें डिवाइडर दे रखे हैं, ये सब नोट कर लें। जब क्वेश्चन आते हैं एसआरएफ के एग्जाम जनरल प्लांट ब्रीडिंग में, तो वो लगातार 5-6 क्वेश्चन आते हैं डिवाइडर के, ठीक है। सीड लॉट का कलर क्या होता है? ऑरेंज या ग्रीन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सीड सैंपल सर्टिफिकेट कलर ब्लू होता है ये, ठीक है। प्योरिटी एनालिसिस के लिए जो वर्किंग सैंपल होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें से नोट कर लें। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें जो भी पॉइंट हैं आप वीडियो पॉज करके इनको वो कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इसी में मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आपके दिमाग में हों तो वो भी आप लिख सकते हैं, जिससे कि हमें भी इससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे JRF और SRF एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ इनको एकदम नोट डाउन कर लें, कोई भी पॉइंट इनमें से कहीं से भी आ सकता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।